टीम टू ऑल ऑफ यू, जैसा कि आपको मालूम संधान का लास्ट मोमेंट आ गया है। पूरा संधान बहुत जबरदस्त रहा, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट करा था उससे भी ज्यादा क्राउडफुल चेयरफुल रहा। आए जानते हमारे संधान को सक्सेसफुल बनाने वाले मेन कोऑर्डिनेटर पंकज सर, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, संधान का इतने सक्सेस का क्या रीजन था, कैसे सक्सेस हुआ? संधान जो इवेंट है वो बच्चों का इवेंट, बिना बच्चों के इसे इवेंट का सक्सेसफुल होना असंभव। संधान की सक्सेस और अनसक्सेस हर रीजन के पीछे जो होते हैं बच्चे, इस संधान की सक्सेस के पीछे हमारे बच्चे हैं और हमेशा एज यूजुअल बच्चे ही रहे। जैसे लास्ट संधान के कंपेयर करते हुए संधान सुपर था, माइंड ब्लोइंग था, तो उसके पीछे क्या किया है संधान ने, क्या किया? ऐसा होता है कि एक ही परिवार में एक ही दो भाइयों के बीच में कभी हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। वो संधान ये संधान इसी परिवार का हिस्सा है, इसलिए हम उनकी कंपेरिजन नहीं कर सकते। वो भी हमको बहुत प्रिय था, बहुत प्यारा था, और ये भी हमको बहुत प्रिय बहुत प्यारा है। कोई बच्चा जल्दी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट होता है, तो हमारे दो बच्चे थे, ये बच्चा थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, अगला इससे और ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। सर नेक्स्ट संधान हमने कभी प्लान करके शुरुआत नहीं करी, हम शुरुआत करते हैं उसके बाद प्लान करते हैं। उसका रीजन ये है कि हम हमारी एक्सपेक्टेशंस कई बार ओवर निकलते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उनके साथ प्लानिंग करने लगे तो शायद हम वो इवेंट कर ना पाए। हमारा संधान जो था अनएक्सपेक्टेड था, और अनएक्सपेक्टेड क्राउड आया, अनएक्सपेक्टेड हमारी सक्सेस हुई। दैट्स व्हाई हम प्लान करें और फिर उसके बाद में सोचें कि हम 2000 क्राउड को ओरिएंटेशन करेंगे, बट हम कभी प्लानिंग नहीं करते। हम 2000 की प्लानिंग करें और 4000 लाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम अगली बार की अभी से हम कुछ खुलना नहीं चाहते, कुछ पत्ते हैं दबे रहे ज्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि आपका जो इंजीनियरिंग का जीवन है 4 साल का, उसमें आपको कुछ पंक्तियां हैं, कुछ 4 पंक्तियां हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आपको उनको फॉलो करना है। जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, कई मजबूरियां होती हैं, कई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 पंक्तियां हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव सम प्रॉमिसेस टू कीप, आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप एंड आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप। इसका हिंदी रूपांतरण किया था हरिवंश राय जी बच्चन ने कि गहन सघन मन मोहक वंतर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा है मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है, मिलो मुझको चलना है। थैंक यू। हमारे साथ दबंग पर्सनालिटी वाले बुलंद आवाज वाले पंकज सर, और उन्होंने बोला हमने नेक्स्ट संधान के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है बट हम कुछ पत्ते खुलना नहीं चाहते। देखते हैं नेक्स्ट संधान में पंकज सर क्या करेंगे। थैंक यू सो मच।